हेलो बच्चों, कैसे हो साहब? कौन कौन क्लास में आ गया? सारे बच्चे हो प्रेजेंट क्लास में? सब प्रेजेंट हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस तो बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोग, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पूर्णांकों की गुणा पढ़ी थी, है ना? पूर्णांकों की गुणा पढ़ी होगी, यानी कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी होगी। तो आप लोगों को सबसे बेसिक चीज क्या पता होना चाहिए? सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है। प्लस की, देखो कोई भी संख्या प्लस की है, उसकी प्लस के साथ गुणा करोगे तब तो जाहिर सी बात है प्लस की आएगा। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए सबको। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, माइनस को प्लस से गुणा किया, सॉरी, प्लस को माइनस के साथ गुणा किया तो माइनस, माइनस को प्लस के साथ गुणा किया तो माइनस। ये तीन चीजें सभी को पता है? ये तीन चीजें सब बच्चों को पता है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इन्हीं का यूज भी करेंगे हम किस में? जोड़ और घटाव में इनका यूज भी होने वाला है। आज हम जोड़ और घटाव सीखेंगे। तो हम जोड़ और घटाव में इसका इस्तेमाल करने वाले, तो सभी बच्चे ये साथ साथ नोट भी करते चले। अब जब आपने पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करना है, सबसे बेसिक चीज, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? ब्रैकेट को ओपन करोगे। जैसे अगर मैं माइनस दो माइनस माइनस तीन आपको देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, जब भी दो निशान होते हैं, दो चिन्ह होते हैं, उनके बीच में कोई भी संख्या अगर नहीं है तो उन्हें आप आपस में क्या कर दो बेटा? गुणा कर दो। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस की माइनस से गुणा, प्लस आएगा। वेरी गुड। माइनस दो प्लस तीन। अब आपके पास, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप क्या करने हैं आपको? अगर सेम है साइन, सेम है, समान है दोनों, तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे। तो आप क्या करोगे? जोड़ करोगे, ऐड करोगे, ठीक है? लेकिन अगर दोनों जो संख्याएं हैं उनके क्या है, निशान अलग अलग है, उनके सिंबल्स कैसे हैं बेटा? डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे? घटाव करोगे, आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है? अब बताओ इन दोनों के निशान एक से है बेटा या अलग अलग है? सभी बच्चे अलग अलग है। वेरी गुड। अलग अलग है तो क्या होगा बच्चों? अलग अलग है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे। तो तीन और दो को आपस में घटाया तो क्या आएगा बेटा? एक आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? आप बड़ी संख्या, बड़े नंबर का क्या करोगे? बड़ी संख्या का क्या करोगे? चिन्ह देखोगे, ठीक है? चिन्ह देखोगे, साइन देखोगे। अब दो बड़ा है या तीन बड़ा है बच्चों? तीन बड़ा है। तीन के साथ क्या है? प्लस है। तो एक के साथ भी क्या आएगा? प्लस आएगा। और प्लस को आप लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। अगर मैं आपको दे दूं माइनस दो प्लस माइनस तीन, सेम स्टेप करते हैं। पहले देखो, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, कोई भी संख्या नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो बेटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का तीन आ जाएगा। सेकंड स्टेप पर आते हैं, दोनों के निशान कैसे हैं बेटा? सेम है, सेम है तो जोड़ दो, तीन और दो को जोड़ दिया, पांच आ गया। अब दोनों के पास ही माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दो। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। तो बड़ी संख्या तीन है, तीन के साथ माइनस है, तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। वेरी गुड। काफी बच्चों ने पहले लिखना भी शुरू कर दिया था, माइनस तीन आएगा। समझ में आया सबको? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बेटा माइक किसने ऑन किया हुआ है? अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को। टू प्लस माइनस थ्री, किसी ने माइक ऑन किया हुआ है?
हाँ जी, 2 + -3, सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, खुद से ट्राई करेंगे सब बच्चे। पहला स्टेप क्या है बेटा, कौन है शाहिद की आईडी से? माइक बंद करिए, कैमरा भी बंद करिए अपना। हाँ जी, दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे, बिल्कुल ठीक लिख रहा है सारे बच्चे। प्लस की गुणा माइनस से करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, गुणा कर लो माइनस आ गया। अब दोनों के निशान अलग अलग है क्योंकि 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो हम घटा देंगे। 2 में से 3 गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा, लेकिन 3 बड़ा है, 3 के साथ माइनस है, तो इस आंसर में भी माइनस आएगा। समझ में आया सब बच्चों को किस तरह से जोड़ घटाव करना है? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आता? सभी को आता है? हाँ जी, सभी को आता है, वेरी गुड। बेटा पंकज सर आज आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, नेक्स्ट क्लास पंकज सर लेंगे, ठीक है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, ठीक है? जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करता रहेगा अपना हैंड रेज करते जाना, फिर मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सब बच्चे एकदम से आंसर लिखेंगे। -8 + -18, जो भी बच्चा सॉल्व करता जाएगा हैंड रेज करते जाओ, चैट बॉक्स मैंने भी बंद किया है। जो नीचे छोटा सा एक हाथ बना हुआ है ना, उस पर क्लिक करना है। हैंड रेज का मतलब जो आपके कैमरा माइक के बराबर में, माइक और कैमरा के बराबर में होगा ना, एक माइक के बराबर में एक हाथ बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका हैंड रेज हो जाता है। जैसे आप क्लास में हाथ उठाकर बोलते हो ना, मैंने कर लिया, वैसे कर दी, ठीक है? तो यहाँ पर भी हैंड रेज करना है जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा। तो क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, 7 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और जैसे ही मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सब बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक 9 ही बच्चों ने सॉल्व किया है, बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे क्या? बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? बेटा कुणाल की आईडी से कौन है? हाँ, हैंड रेज करो जो भी बच्चा सॉल्व करता जाए। शाहिद की आईडी से कौन है? साहिल की आईडी से कौन है? सोनू की आईडी से कौन है? भाई आईडी से कौन है? आप लोगों के हैंड रेज नहीं है, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? हमारी स्क्रीन आगे नहीं हो रही। स्क्रीन क्यों आगे करनी है बेटा? चलो अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, अब सब बच्चे जल्दी से आंसर बताओ, आंसर लिखो अपना चैट बॉक्स में जल्दी से। ओके, कुछ बच्चों का -26 आ रहा है, कुछ बच्चों का 10 आ रहा है, कुछ बच्चों का -10, कुछ बच्चों का 26। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, गलत होंगे क्वेश्चंस, हम सीखेंगे सही वाले आंसर। सभी ने जो भी आपका आंसर आया वही आंसर लिखना है। अब ध्यान से सब बच्चे नोटिस करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, -8 + (-) प्लस की गुणा माइनस से करके बच्चों क्या आता है, यहाँ पर आप देख लो माइनस आता है, तो -8 - -18। अब बेटा दोनों के निशान कैसे हैं? बेटा कौन है शाहिद की आईडी से? आपको मना किया है ना, आप कैमरा भी बंद करो और माइक भी बंद करो। दोनों के निशान सेम है, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जोड़ होगा, घटाव होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा, जल्दी से 8 और 18 को आपस में जोड़ दो। हाँ बेटा, साथ साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप समझते चलो, बिल्कुल ठीक। दोनों के निशान सेम है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 और 18 को जोड़ दो, 26 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया? नहीं, अभी तीसरा स्टेप बाकी है, बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 के साथ क्या है? माइनस, तो 26 के साथ भी माइनस आएगा। वैसे अगर दोनों संख्याओं के साथ माइनस हो तो आपके आंसर में भी माइनस ही आता है, तो -26 इसका सही उत्तर था। समझ में आई बात बच्चों? यस और नो? सारे बच्चे पूरी क्लास के ठीक होने चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो
अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे हैंड रेज करेंगे, जो सॉल्व करते जाएंगे वो हैंड रेज करते जाएंगे अपना। यहाँ पे तीनों स्टेप लिखे हुए हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे साइड में तीनों स्टेप लिखे हुए हैं। पहले आप इनको आपस में गुणा करो, इन दोनों चिन्हों को आपस में गुणा करो। गुणा करने का आप यहाँ से देख सकते हो, फिर दोनों के निशान सेम है या अलग अलग है वो आप यहाँ से देख सकते हो, तीसरा वाला स्टेप भी यहाँ से देख सकते हो। तो एक एक स्टेप देख कर करो। क्लास में 20 बच्चे हैं, सिर्फ 10 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी 10 बच्चे क्या कर रहे हैं? सभी बच्चे ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों के हैंड मुझे अभी भी रेज हुए हुए नजर नहीं आ रहे। सभी बच्चे कोशिश करो। वेरी गुड यस। चलो अब चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, सभी बच्चे फाइनल आंसर बताओ क्या आया सबका। बेटा 10 और 8 को तो ना घटाकर 10 आता है ना जोड़कर 10 आता है, ध्यान से करो क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप यहां से उठाएंगे, ये स्टेप 1 है, ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में कोई भी अंक नहीं है, इन दोनों को आपस में गुणा करो। प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस। अब दूसरे स्टेप पर आ जाओ, दोनों के निशान कैसे हैं बेटा? जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया था, क्या नाम है, किसने लेट ज्वाइन किया था? यस, दोनों के निशान सेम है तो आप जोड़ दो। अब तीसरा स्टेप, जो बड़ी संख्या है यानी कि 10, 10 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। समझे सभी बच्चे? समझे यस और नो? ज्यादातर बच्चों का माइनस 18 था, बट कुछ एक बच्चों ने माइनस 10 किया था। तो अगर आप अब आप सॉल्व कर लोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह का, अच्छा बेटा चार्ट में ही लिखना था आंसर, चार्ट में ही लिखना था आंसर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपको 2 से ज्यादा मैं संख्याएं दे दूं, जैसे अगर मैं आपको दे दूं -8 -9 -6, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर भी सेम चीज, तीनों के अगर सेम है, तीनों के साथ सेम साइन है तो आप जोड़ दो, अलग अलग में ये मत करना। अगर सेम है, देखो अगर तीनों के पास सेम है, जैसे यहाँ पे तीनों के साथ माइनस है तो आप जोड़ दो, ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ दो। 8 8 16 16 1 17 17 में आपने 6 जोड़ दिए तो 23, और दोनों साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। इसी तरह अगर 8 प्लस 9 प्लस 6 है बेटा, तीनों के पास प्लस का साइन है तो प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर तीनों के साथ माइनस है तब भी आप जोड़ दोगे, ठीक है बेटा। चैट में ही लिखना है अभी आंसर, हाँ जी, ये बात समझ में आई सबको? अगर तीनों के साइन सेम है, 3 के या 4 के जितने भी संख्या, अगर सबके साइन एक से है तो आप उन सबको जोड़ोगे, जितनी भी संख्याओं के साइन सेम होंगे उन्हें आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दू, मैं इस 9 को प्लस का कर दू, तब आप क्या करोगे? तब घटा दोगे सबको। अब आप यहाँ डिसाइड नहीं कर पाओगे ना कि आपको इन्हें किस तरह से घटाना है ना, अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ ये वाली मिस्टेक मत कर देना कि साइन अलग अलग है तो घटा दो, नहीं। दो मेथड्स बताऊंगी, दोनों मेथड ध्यान से समझना। पहला क्या हो सकता है कि आप जिनके निशान सेम है, जैसे ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो जो दोनों माइनस के होते हैं वो क्या हो जाते, वो जुड़ जाते हैं ना, जो दोनों माइनस के होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप 8 और 6 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? हाँ, प्लस के अलग कर लेंगे, माइनस के अलग कर लेंगे। आप 8 को और 6 को आपस में जोड़ दो, 14 आ जाएगा, लेकिन वो 14 माइनस का आएगा। और अब 9 बच गया अकेला, अब आप 9 को सॉल्व कर दो, +14 -9 कितना हो गया? -5 हो गया, वेरी गुड। एक मेथड ये है, दूसरा क्या मेथड हो सकता है? दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप स्टेप वाइज चलो, लाइन वाइज चलो, -8 और 9 को पहले आपस में जोड़ लो, इन दोनों को। -8 में 9 को जोड़ा बच्चे, क्या आ गया?
माइनस एट प्लस नाइन क्या आ गया बच्चों, वन आ गया बेटा। माइनस एट प्लस नाइन वन आ गया, उस वन में माइनस सिक्स को ऐड कर दिया तो देखो वन माइनस सिक्स माइनस फाइव आ गया। तो आप जैसे आपका मन करता है आप वैसे सॉल्व करो। समझ में आया सबको? अच्छा अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। माइनस आठ माइनस नाइन माइनस प्लस सिक्स प्लस पांच, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और हैंड रेज करते जाएंगे अपना। माइनस आठ माइनस नौ, माइनस माइनस वालों को अलग कर लो, प्लस प्लस वालों को अलग कर लो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। साथ ही बच्चों ने अब तक हैंड रेज किया है, कोई बात नहीं, टाइम लेंगे सब अपना आराम से। वेरी गुड वेरी गुड, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, जल्दी से आंसर बताओ सब अपने अपने। सबका जो भी आंसर आया बेटा वो लिख लो, किसी एक दूसरे की कॉपी मत करना। चलो चेक करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों के साइन सेम है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो माइनस सत्रह हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के, आठ आठ सोलह और एक सत्रह, और माइनस का सत्रह आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो ग्यारह आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जवाब, दोनों के निशान अलग अलग है तो हम घटा देंगे, लेकिन सत्रह बड़ा है तो माइनस छह आ जाएगा। तो सभी बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, ठीक है। अब थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन बनाकर देती हूँ मैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। सभी बच्चों को ब्रैकेट सॉल्व करने आते हैं ना? हाँ सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। आराम से टाइम लो, बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेंगे सब बच्चे। बेटा माइक बंद करिए अपना, अब तक छह ही बच्चों ने सॉल्व किया बेटा, इसमें कुछ भी नया नहीं था, आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था जैसे आप पुराने वाले क्वेश्चन में करते थे, इसको बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन मत समझो, ठीक है। मैं किसी को भी अनम्यूट कराकर पूछ लूं, सबने ईमानदारी से हैंड रेज किया है ना बेटा। बाकी बच्चे कुणाल की आईडी से कौन है, हर्ष शर्मा की आईडी से कौन है, साहिल अनु ये सारी आईडी से कौन है, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? ये समझ नहीं आ रहा है बेटा। अच्छा देखते हैं ये बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं या नहीं है। वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है हैंड रेज करो, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। ओके ओके ठीक है बेटा। अनूप सिंह और अनूप इंदौरा की आईडी से कौन है, आप दोनों क्लास में प्रेजेंट नहीं हो क्या? मैम प्रेजेंट है। अच्छा तो जब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ क्वेश्चन किया कि नहीं किया, तो आपने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा? नो मैम समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो बेटा पूछना है ना, किस किस को समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो। वेरी गुड, हाँ सभी बच्चे हैंड रेज करो जिसको नहीं आया समझ में। बेटा पूछो, ऐसे साइलेंट होकर क्लास में नहीं बैठना है, ठीक है? सबसे पहले क्या करो, हाँ जिसको समझ नहीं आया बिल्कुल वेरी गुड, अपने सभी बच्चे पूछा करो बेटा, जब भी समझ में नहीं आए तो पूछना है, ठीक है? अब सबसे पहले आप लोग ही बताओगे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था अब सिर्फ वो बोलेंगे, उन्हें समझना है, ठीक है? बेटा पहले आप बताओ हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर दो
निशान एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पर दो निशान एक साथ आ रहे हैं बेटा, है ना। आप इनकी क्या करोगे, आपस में गुणा करोगे, ठीक है। माइनस दस, अब देखो प्लस की माइनस से गुणा करके क्या आता है, यहाँ से चेक करके बताओ सब बच्चे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में, हाँ, प्लस की गुणा माइनस से करके बेटा क्या आता है, माइनस आता है, माइनस आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्लस माइनस माइनस आता है। माइक 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 यस। हाँ, अब बच्चों फिर से अब आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस आ जाएगा। तो प्लस का 9, प्लस का 10। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस 10 माइनस 8 दोनों, पहले सिर्फ इन दोनों पे फोकस करो, दोनों के निशान कैसे हैं बेटा, प्लस के माइनस में, माइनस है, सेम है, मतलब सेम है, yes, ma'am. है ना। अब मैंने देखो साइड में क्या लिखा है, अगर निशान सेम है होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो साइड में जो मैंने लिखा है बेटा, साइड में जो ये लिखा है जोड़ते हैं, लिखा है ना मैंने साइड में, हाँ, yes, तो 10 और 8 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 10, 10 के साथ माइनस है तो माइनस 18। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, चलो अब इन दोनों को सॉल्व करो, 9 और 10, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 में 10 को जोड़ा सभी बच्चे बताओ, अलग अलग, अलग अलग है, वेरी गुड बेटा। साइड में देखो, जब अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस, माइनस करते हैं, तो माइनस करो, 19 में से 18 गए, एक बचे, 19 बड़ा है तो 19 बेटा, नहीं 19 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 19 बड़ा है ना, 19 के साथ कौन सा निशान है, प्लस का, तो प्लस एक आंसर। अभी बताओ जिन बच्चों को पहले समझ में नहीं आया था, अभी आया, यस मैम, सच सच बताना है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करें। हाँ बोलो बोलो मैम। बेटा क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तब पूछो। हाँ बताओ, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया कि क्या क्या डाउट है बताओ। हेलो मैम, वो आप जैसे चेक करते हो तो उसका आंसर कहाँ देना होता है बेटा, चार्ट में लिखना होता है, अभी चार्ट में लिखना है, जब मैं पोल का क्वेश्चन दूंगी तब पोल में आंसर करना। मैम आप तो चैट बंद कर देते हो। हाँ, जब मैं तब तक के लिए चुप रहना है, जब मैं चार्ट बॉक्स खोल देती हूँ तब एकदम से आंसर करना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। इसीलिए वो मैं चार्ट इसलिए बंद कर रही थी कि ताकि कोई एक दूसरे का आंसर ना देखे, तब अपने आंसर चुपचाप करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देती हूँ। मैम आप मुस्लिम हो, चलो सब बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में अभी के लिए बंद कर रही हूँ बेटा, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, जो बच्चे सॉल्व करेंगे वो हैंड रेज करेंगे, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो अनम्यूट करके बोल देना शुरू में कि मैम मुझे समझ में नहीं आया अभी भी, ठीक है, या मैं ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ, या आप अपनी नोटबुक में ट्राई करोगे तो मुझे अपना बैक कैमरा करके दिखा दो कि मैम मुझे इस स्टेप के आगे समझ में नहीं आ रहा है। ओके मैम, वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। आराम से टाइम लो, जितना टाइम आप लोगों को चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, शाबाश। 10 बच्चे बेटा आंसर नहीं बताना, आप सभी ट्राई कर रहे हो ना, जितने बच्चे ट्राई कर रहे हो वो हैंड रेज कर लो किसी को। अच्छा अब वो बच्चे बताओ, किसी को समझ में नहीं आया या किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो
सभी बच्चों को आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, अब सब बच्चे फटाफट से आंसर लिख दो अपने अपने। सभी बच्चे फटाफट से आंसर लिख दो। देखो ट्राई किया करो, गलत हो गए ना साथ ही साथ, जब गलत होगा तभी सही वाला पता चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। माइनस आठ प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस सोलह, माइनस की प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस दस। अब तीनों के ही निशान सेम है, जब तीनों के सेम होते हैं मैंने क्या कहा था, जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो बेटा 34 आ गया और वो 34 माइनस का आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जवाब। अब किस सभी बच्चों का ठीक हुआ था ना ये, तो सारे बच्चों का ठीक हुआ था। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर मैं एक पोल वाला क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। सभी बच्चे पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर पोल में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से, अगर ये पूरी क्लास का ठीक होता है तभी हम आगे नेक्स्ट पोल का क्वेश्चन करेंगे, अगर ये पूरी क्लास का ठीक नहीं होगा तो मैं आपको पहले और क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है बेटा ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला है ना। चलो जो बच्चे पोल में आंसर करते जाए वो अपना हैंड रेज करते जाओ, जिसने कर दिया वो अपना हैंड रेज कर दो ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने कर दिया है। ठीक है 10 बच्चों के आंसर मुझे मिल भी गए, ज्यादातर बच्चों के ठीक है, बट क्लास में 20 बच्चे हैं तो मुझे 20 बच्चों के ही आंसर चाहिए। अच्छा एक बच्चा नया भी था ना क्लास में, बेटा आपको पता है पोल में आंसर कैसे करते हैं जो बच्चे नए थे क्लास में? देखो अगर किसी को नहीं पता है तो वहां सबसे नीचे आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट्स बने हुए होंगे, उन डॉट्स पर आप जाओगे तो एक्टिविटीज लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा बेटा? एक्टिविटीज लिखा होगा। उन एक्टिविटीज पर जाओगे तो पोल वन एक्टिव लिखा होगा। फिर आप ए बी सी डी में से वहां पर 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, जो भी आपको ठीक आंसर लगता है उस पर क्लिक करोगे और नीचे वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो अभी तक अभी भी 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने सबमिट नहीं किया है बेटा। अमित कुमार की आईडी से कौन है, और दूसरा अनूप सिंह की आईडी से कौन है बेटा, धर्मवीर की आईडी से कौन है, और साहिल की आईडी से कौन है? हाँ जी बच्चों। मैम हाँ बेटा आपको पता है कैसे करना है, आपको आपको पोल में आंसर करना आता है बेटा? सभी ने कर दिया। चलो 5 सेकंड्स का टाइम मैं और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। कोई बच्चा ऐसा जिसने पोल में आंसर नहीं किया या उसे नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं बेटा? सभी ने कर दिया है, वेरी गुड, और लगभग सारे ही बच्चों का ठीक भी है आंसर, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी बच्चे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। माइनस 11 प्लस माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से हो जाएगी तो बेटा माइनस आ जाएगा, फिर से प्लस की गुणा माइनस से हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3। अब तीनों के ही निशान बिल्कुल सेम है तो आप तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा, लेकिन वो 19 माइनस का आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, यस। चलो अभी कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले सभी बच्चे फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे ही आप सॉल्व करो और हैंड रेज करो जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है 12 + 4 + -11, जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना अपने।
चार बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। बेटा क्लास में जितने बच्चे हैं सब सबका होना चाहिए हैंड रेज, सभी को आना चाहिए सॉल्व करना। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चों के हैंड रेज मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आए तो बेटा पूछो। वेरी गुड। अब फटाफट से जल्दी से आंसर बताओ सब बच्चे। मैम माइनस पांच। चलो चेक कर लेते हैं, प्लस चार प्लस माइनस इलेवन, माइनस पांच आएगा या कितना आएगा? ठीक है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहले बारह, पहले ब्रैकेट खोल दो, बारह प्लस चार प्लस माइनस माइनस इलेवन। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बारह और चार को आपस में जोड़ लो, बारह और चार सोलह, सोलह में से ग्यारह गए पांच बचे, पांच आएगा बेटा, माइनस पांच नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर भी आपको लगता है जो क्वेश्चन है आपको प्लस का प्लस के साथ जोड़ना इजी लग रहा है उसे जोड़ लो, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ जोड़ना इजी लग रहा है तो उन्हें जोड़ लो। बेटा मिस्टेक पता चली कहां पर हुई है जिन बच्चों का माइनस पांच आया था? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी तरह सब बच्चे। फिर से मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हैंड रेज करेंगे अपना। ये माइनस चार है, सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, ये माइनस चार है, माइनस फोर। आप लोगों की ना प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब जल्दी जल्दी, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। चलो फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिख देंगे सब बच्चे। तभी खुद से ही ट्राई करना। पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो बेटा माइनस आएगा, फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तीनों के साइन सेम है तो इन तीनों को ही आपस में जोड़ देंगे, तो इन तीनों को आपस में जोड़ के 27 आएगा, लेकिन वो 27 माइनस का आएगा। बिल्कुल ठीक जवाब है सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर से चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ बेटा मैं। लिख दिया सबने अपने आंसर? यस। चलो अब फिर से ट्राई करेंगे सब बच्चे, हैंड रेज करते जाना जो सॉल्व करता रहेगा। वेरी गुड। अभी भी सात आठ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है। मैम चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, सब बच्चे बेटा खुद से ट्राई करो, आप लोगों को आना चाहिए, दूसरों से नहीं पूछो। प्लस चार माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस का ग्यारह, जिन संख्याओं को जोड़ सकते हो जोड़ लो। आप देखो चार भी प्लस का है, ग्यारह भी प्लस का है, तो आप जो प्लस प्लस को होगी उन्हें छोड़ सकते हो ना, चार और ग्यारह पंद्रह। अब माइनस बारह प्लस पंद्रह दोनों के निशान अलग है तो बेटा घटा होगा, घटा कर तीन आएगा, पंद्रह बड़ा है उसके साथ प्लस है तो फाइनल आंसर भी प्लस का आएगा बेटा, प्लस का तीन आएगा। माइनस तीन कैसे आ रहा है आप लोगों का? कुछ बच्चे माइनस चार लिख रहे हैं, कुछ बच्चे माइनस तीन लिख रहे हैं, सभी बच्चे इवन। गलत कहां से हुआ है पता चला बच्चे? सभी बच्चों को मिस्टेक पता चली, एक बार चेक कर लो। माइनस बारह प्लस चार, माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस, प्लस का ग्यारह, प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से जोड़ लो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे माइनस बारह प्लस चार प्लस ग्यारह है, माइनस बारह प्लस चार कर लो पहले। माइनस बारह और प्लस चार कितना हो जाता है बेटा? दोनों अलग अलग है, घटा दो आठ आ जाएगा माइनस का, उस माइनस के आठ में ग्यारह को जोड़ दो, दोनों के निशान अलग अलग है तो घटा हो जाएगा, घटा का तीन, लेकिन ग्यारह बड़ा है उसके साथ प्लस है तो फाइनल आंसर में भी प्लस में आएगा। ओके बेटा पंद्रह कैसे आएगा, पंद्रह कैसे आया बताओ मुझे?
अच्छा 15 प्लस का है, यस बेटा 15 प्लस का है तो इसलिए 3 आएगा, यस बिल्कुल ठीक बोला आपने। चलो आप सब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करो, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अच्छा काफी बच्चों ने पहले ही कर लिया है, वेरी गुड। चलो फिर फटाफट से सब बच्चे आंसर लिख दो। वेरी गुड वेरी गुड, तो ये काफी बच्चों ने सही कर लिया है, 12 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस 11, 12 और 4 16 हो जाते हैं, 16 में से 11 गए बच्चे कितने 5। ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ना, इसमें सिर्फ आपको ब्रैकेट खोलना था और वो प्लस का बन जाता, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे देना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बात बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्यों उस वजह से? हेलो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। माइनस 11 माइनस माइनस 5 प्लस माइनस 3, आराम से टाइम लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। वेरी गुड, तीन बच्चों ने कर दिया है। बेटा बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन, पहले ध्यान से क्वेश्चन उतारो, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। माइनस 11 माइनस माइनस 5 प्लस माइनस 3, मैम जी, हाँ जी बेटा, ये आपने पहले भी दिया था जी क्वेश्चन, ये पहले कब, ये क्वेश्चन भी आपने नहीं बेटा पहले करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन था ये, वो दूसरा क्वेश्चन था, इस तरह के और क्वेश्चन मैंने कराए होंगे बिल्कुल, उसमें अच्छा आपको ऑप्शन सेम नजर आ रहे होंगे। नहीं बेटा ये क्वेश्चन अलग है, तो उसमें मिस्टेक मत कर देना, ध्यान से करो क्वेश्चन। चलो चलो अभी भी 7-8 बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, टाइम लो भले ही, बट सही करो सब बच्चे। अभी भी काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया, बेटा एटलीस्ट ट्राई करो सब बच्चे। चलो अभी भी 7 बच्चे हैं सिर्फ जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बेटा किस किसने नहीं किया जल्दी से करो। संजना गौतम की आईडी से कौन है बेटा, बुशरा की आईडी से, इजराइल की आईडी से, वाई आईडी से कौन है? बेटा सभी बच्चे करो, ट्राई करो एटलीस्ट, गलत होगा तो पूछो मुझसे। धर्मवीर की आईडी से कौन है बेटा, कर दिया आपने? क्या हुआ मैम, हमारे में क्वेश्चन नहीं आया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप जो है अनम्यूट करके बता देना। बाकी बच्चे और कोई रीजन है वैलिड तो मुझे बताओ कि आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, या आपको यही नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करते हैं? कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। 3-4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। पुलिस का 9 मैम,
ओके ओके चलो अब 5 सेकंड का टाइम मैं और दे रही हूँ. 5, 4, 3, 2 and 1. बेटा अभी भी 7-8 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंसर नहीं किया. अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो. सब बच्चों को पता है ना कि पोल में कैसे आंसर करते हैं बेटा? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता है? मैम चैट खोल दो ना इसलिए. चैट बॉक्स मैंने खोल दिया बेटा. आपके पास ऑप्शन नहीं आता है क्या पोल का? ठीक है चैट बॉक्स मैंने खोल दिया. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लिया है. माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. अब देखो यहाँ पे क्या करना है. मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ. दो मेथड है हमारे पास. पहला क्या क्या हमने क्या करा था, जो माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग कर लो, प्लस प्लस वाले को एक साथ लिख लो. माइनस 11 माइनस 3 एक साथ लिख लो और 5 को आप ऐसे लिख लो. ठीक है या आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो. माइनस 11 और माइनस 3 दोनों का निशान सेम है तो आप इन दोनों को जोड़ दो. 11 और 3 14, लेकिन वो 14 माइनस का होगा, उसमें आप 5 को जोड़ दो. दोनों के निशान अलग है तो घटा देंगे बेटा. घटा कर क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन वो 9 माइनस का आएगा. एक मेथड बेटा ये हो गया कि आपने माइनस माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लिया. ठीक है माइनस माइनस वाली संख्याओं को आपने एक साथ जोड़ ली और उसके बाद उसमें प्लस की संख्या को अलग से जोड़ लिया. या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है बेटा, क्या लाइन वाइज चलो. माइनस 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 11 प्लस 5 कितना हो जाता है? यहाँ पे साइड में ट्राई कर लो या तो माइनस 11 प्लस 3 दोनों के बेटा. माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 6 दोनों के निशान अलग अलग है तो आप घटाओगे. घटाकर कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन वो 6 माइनस का आएगा क्योंकि 11 बड़ा है, 11 माइनस का है. अब ये 3 अकेला बचा है, इसको भी लिखो. माइनस 6 माइनस 3 दोनों के निशान एक से है तो जोड़ दो, लेकिन जोड़कर माइनस का 9 आएगा. तो बेटा कौन सा वाला इजी लगा है आपको, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहले वाला. मर्जी है आप लोगों की, पहले से करो पहले से कर लो, दूसरे से करना चाहो दूसरे से. पहले में क्या करना है, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो और उसके बाद उसमें प्लस की संख्या को अलग से जोड़ दो. दूसरे वाले में क्या करना है आपको, सिर्फ लाइन वाइज चल सकते हो आप, है ना? ठीक है ठीक है. तो इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था. अभी पहले सभी बच्चे बताएंगे क्या आएगा बेटा इसका आंसर क्या आएगा. पहले माइनस माइनस की संख्याओं को आपस में जोड़ लो क्योंकि जब दोनों के निशान सेम होते हैं तो आपस में जुड़ता है ना. माइनस जो माइनस की संख्या है उन्हें आपस में जोड़ लो. माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16. माइनस 16 में अब 9 को जोड़ लो. दोनों के निशान अलग है तो घटाएंगे. घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 7 आएगा. 16 बड़ा है, 16 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा. बिल्कुल ठीक लिखा सभी ने, माइनस 7 आएगा. अच्छा अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा. हमेशा माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो पहले. प्लस के 3 मैम, प्लस के 3. ठीक है प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे देखते हैं. अच्छा बेटा क्या नाम है आपका, शाहिद की आईडी से कौन है? मैम सावेज. हाँ बेटा आप मुझे बताओ पहले आपने कैसे किया, क्वेश्चन कैसे किया? मैम जी पहले माइनस 5 और माइनस 9 को जोड़ दिया. कितना आया बेटा? 14. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक. अब क्या किया बेटा? मैम जी 14 में से 11 को घटा दिया जी. ठीक है लेकिन अब बेटा एक स्टेप और रहता है. अब देखो 14 बड़ा है कि 11 बड़ा है? 14. उसके साथ कौन सा निशान है? माइनस का. तो आपके आंसर में भी क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा. ठीक है बेटा
इस स्टेप का ध्यान रखना। समझ में आया बेटा सभी को? माइनस तीन आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। माइनस ग्यारह प्लस पांच माइनस नौ। ओके वेरी गुड वेरी गुड। हां जी तो पहले ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 11 और 9 20, लेकिन वो 20 माइनस का होगा, उसमें प्लस 5 कर दो, दोनों के निशान अलग अलग है तो घटाव हो जाएगा, लेकिन 20 बड़ा है, 20 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस 15 आएगा। सभी का बिल्कुल ठीक है बच्चों, माइनस 15 यस। चलो फिर अब एक और क्वेश्चन। अब सबको अच्छे से समझ में आ गया ना बेटा? यस मैम। कोई मिस्टेक नहीं होगी? नो मैम। चलो फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सब बच्चे सॉल्व करो। मैम माइनस के छह। माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? अच्छा किसने अनम्यूट करके बताया बेटा आंसर? क्या मैम? अनम्यूट करके बेटा, आपके पास पोल का ऑप्शन आता है, पोल में कैसे आंसर करते हैं? मैम पोल में आंसर का पता नहीं कैसे निकालेंगे। अच्छा बेटा मैंने आपको बोला था ना सर नहीं पता है। देखो आपके पास स्क्रीन पे 3 डॉट्स बने हुए हैं। हाँ मैम। ठीक है वहां पर जाओ, एक्टिविटीज लिखा हुआ है। देखो मैम। देखो एक्टिविटीज लिखा है क्या? एक्टिविटीज पर जाओगे तो पोल वन एक्टिव लिखा होगा। सभी बच्चे ध्यान दो यहाँ पर, पोल वन एक्टिव लिखा होगा तो वहां पर जाओगे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सही ऑप्शन पर वोट का निशान दबाओ, इस तरह से आपने क्लिक करना है। ठीक है अभी भी किसी बच्चे को नहीं पता है तो बेटा पूछ लो पोल में कैसे आंसर करते हैं। ठीक है और किसके बच्चे ने नहीं किया है? हाँ जी 5 सेकंड का टाइम और देते हैं, 10 सेकंड का टाइम चलो और देती हूँ। अभी भी 7-8 बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब करेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। ठीक है
बेटा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको अभी भी नहीं पता पोल में कैसे आंसर करना है। अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से देखना बेटा, 15 - 12 + -3 यहाँ तक किस किस का ठीक हुआ है, सबका ठीक हुआ है? ये पता था। यस मैम। यहाँ तक सबका ठीक हुआ है, ओके गुड। अब दोनों मेथड बताऊंगी, जो माइनस जिनके निशान सेम होते हैं उन्हें क्या करते हैं बेटा, जिनके निशान सेम होते हैं उन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। यस मैम। तो 12 और 3 को आपस में जोड़ो 15 मैम। लेकिन वो 15 माइनस का आएगा और आंसर कितना आना चाहिए बच्चे, 0 आना चाहिए ना। आपको ऐसे करना है, आप ऐसे करो, नहीं तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। 15 में से 12 गए, 15 - 12 3 और फिर बचेगा -3, तो 3 - 3 बेटा 0 0 तो आप लोगों का -6 और 6 कैसे आ गया? हाँ जी बेटा, -6 और 6 कैसे आ गया? समझ में आया बच्चों? हाँ बताओ, अब किस किस का रॉन्ग हुआ था उनको जो भी डाउट है वो पूछो, जिस जिस बच्चे का रॉन्ग हुआ था। हमने जी 15 को और 3 को जी जोड़ दिया था जी। अच्छा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, 15 प्लस का है और 3 किसका है, माइनस का है, तो जब भी निशान अलग अलग होंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। वेरी गुड, समझ में आया बेटा? समझ में आया ना मिस्टेक का हुई है, जल्दी कर दिया। हाँ देखो, जल्दी के चक्कर में कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिया। और किस किस से क्या क्या मिस्टेक हुई थी जल्दी से बताओ। 15 और 3 को जोड़ दिया था, सबने यही किया था। हमने जी 15 को जोड़ दिया था, 3 को जोड़ दिया था जी। हाँ, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? जिनके निशान सेम होते हैं बेटा वो जुड़ते हैं। 15 तो प्लस का है, 3 माइनस का है ना? यस मैम। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप पहले ऐसे भी कर सकते हो कि 15 में से 12 को घटा लिया, फिर 3 आ जाएगा, 3 में से 3 को घटा लिया। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ, सभी बच्चों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जल्दी से बताओ, जो डी वाला पार्ट है इसका आंसर क्या होगा? अभी क्लास खत्म होने में 1 मिनट है। हाँ, तीनों को नहीं जोड़ना बेटा। जो डी पार्ट है इसका आंसर क्या होगा बेटा? -9 - +9 0 बेटा, इतनी जल्दी आंसर मत निकाला करो। बता दीजिए, आप 0 हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आप भी बताओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, माइनस की गुणा प्लस से करेगी तो माइनस आएगा ना, माइनस माइनस। आप बताओ, अब 0 आएगा, माइनस माइनस 18। वेरी गुड, दोनों के निशान सेम है तो जुड़ेंगे तो -18। देखो आप लोगों को सबको आता है, बट आप जल्दी के चक्कर में गलत कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सी का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इसका सी वाले पार्ट का। सभी बच्चे ट्राई करो। -20 मैम। -12 + -8 -20 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब। अभी 1 मिनट बचता है क्लास खत्म होने में, एच वाला पार्ट भी करके देखो सब बच्चे, जो एच है। सभी बच्चे नोटबुक पर ट्राई करके देखो,
किसी भी बच्चे का रॉन्ग होता है वो पूछना। एच वाला जो पार्ट है सभी बच्चे ये भी ट्राई करो। ठीक है, जीरो आ रहा है, चलो चेक करते हैं। तो नौ माइनस माइनस प्लस आठ प्लस माइनस माइनस सात माइनस दस, तो नौ और आठ को आपस में जोड़ दिया, सत्रह आ गया। ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, माइनस सात और माइनस दस दोनों के निशान सेम है तो बेटा जोड़ देंगे, दस और सात को जोड़ दिया तो माइनस सत्रह और आंसर जीरो आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और सभी बच्चे इनको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना, ठीक है? सभी बच्चे सॉल्व करना इन क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके बच्चों, ठीक है। सो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।